शब्द विचार, हिंदी व्याकरण का ये टॉपिक है शब्द विचार। शब्द विचार क्या होते हैं पहले हम ये जानेंगे। इससे पहले हमने सोचा, हमने जाना था वर्ण विचार क्या होते हैं। वर्ण, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे। शब्द विचार, शब्द की डेफिनेशन। शब्द किसे कहते हैं, जिन वर्णों का निर्माण अर्थपूर्ण ध्वनियों के समूह से होता है उन्हें शब्द कहते हैं। शब्द वाक्य में दूसरे शब्दों से मिलकर अपना रूप संभाल लेता है। शब्दों की रचना ध्वनि और अर्थ के भेद से होती है। शब्द किसे कहते हैं, जैसे हम किसी दो वर्णों के समूह को, दो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जिन वर्णों का निर्माण मतलब अर्थ, हम कोई भी शब्द लिखते हैं उसका अर्थ निकलना आवश्यक है। जैसे हमने लिखा किताब, किताब, जुराब, मछली, ये सार्थक शब्द समूह हैं। ये सार्थक शब्द समूह हैं, इन्हें ही हम शब्द कहते हैं। इन्हीं शब्दों से वाक्यों की रचना की जाती है। जैसे मछली पानी में तैर रही है, मछली पानी में तैर रही है, इन्हीं शब्दों से हमने क्या किया, वाक्य की रचना की। ये होता है हमारे सार्थक समूहों का मेल, इन्हें कहते हैं शब्द। अब हमने लिखा मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं या मैं किताब पढ़ रहा हूं, यह है शब्दों का सार्थक समूह। और इन सार्थक समूहों से हमने क्या बनाया, वाक्य की रचना की। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों का निर्माण अर्थपूर्ण ध्वनियों के समूह से होता है उन्हें शब्द कहते हैं। इन सभी ध्वनियों का अर्थ निकल रहा है, मछली पानी में तैर रही है, मैं किताब पढ़ रहा हूं, या हम बोलते हैं जुराब, ककड़ी, जूता, ये सब क्या है, इन सब के अर्थ निकलते हैं, विद्यालय, इन सब के अर्थ निकलते हैं, अर्थात ये शब्द समूह हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण चार भागों में किया गया है, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण चार भागों में किया गया है। ये हमें सबसे ज़्यादा याद रखने के लिए याद रखने योग्य बात है कि शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अभी हम इसका विस्तारित रूप देखेंगे। स्रोत के आधार पर भी वर्गों का ये आधार पर शब्दों का वर्गीकरण में कई भागों में इसको बांटा गया है। हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है, सॉरी पांच भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी और संकर शब्द। चार भागों में बांटा गया है, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो कि हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के यूज में लिए जाते हैं। हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के यूज में लिए जाते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम, इसमें आता है ग्राम, पत्र आदि। इनको संस्कृत के संस्कृत में भी यही शब्द होते हैं और इसमें भी यही शब्द होते हैं।
अब आता है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वो होते हैं जो कि संस्कृत के वे शब्द हैं भाषा में परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत भाषा में इनको परिवर्तित करके यूज में लिए जाते हैं, जैसे खेत, खेत, पत्ता आदि। बस ये होते हैं हमारे तद्भव शब्द। कुछ होते हैं हमारे देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं? जो हमारे, जिनकी उत्पत्ति हमारे ही खुद के देश से हुई होती है, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे होता है पेट, खिचड़ी, पेड़, खिचड़ी आदि। कुछ होते हैं हमारे, अब आता है हमारा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो दूसरी कंट्री से भी आए हुए शब्द होते हैं। आपको ये तो पता ही है कि हमारे देश पर में समय समय पर बहुत सारे लोग आते रहे, बहुत सारे लोगों ने आकर अपना शासन किया। जैसे पुर्तगाली भी आए, डच भी आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेजी आए, तो ये लोग, इन लोगों ने सबने अपने अपने कुछ कुछ शब्द छोड़े जो कि हम आज भी उनको अपनी भाषा के यूज में लेते हैं, वो शब्द विदेशी कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, पुलिस, ये कौन से शब्द हैं? विदेशी शब्द। कुछ होते हैं हमारे संकर शब्द। कुछ होते हैं हमारे संकर शब्द जो कि दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हवा महल या हवा दार, मसालेदार, मूसलाधार, ये हैं हमारे संकर शब्द। ये हमारे हुए स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को पांच भागों में बांटा गया है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। अब आता है हमारा रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर भी बोल सकते हैं, या रचना संरचना या बनावट के आधार पर। रचना संरचना इसके आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला तो है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हमने लिखा सेना, यदि हम इसके टुकड़े करते हैं तो से और ना, दोनों में दोनों का ही अलग अलग करने पर अर्थ नहीं निकलता, ना तो से का निकलता है और ना ही ना का निकलता है। ऐसे ही हम लिखते हैं हाथी, हाथी का भी कोई अर्थ नहीं निकलता टुकड़े करने पर, हा और प्लस थी, कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थात इनको क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द। क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहा जाता है। अब आते हैं हमारे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द आते हैं दो शब्दों के मेल से और जिनके टुकड़े करने पर अर्थ निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय, इसका क्या हो जाएगा? हिम प्लस आलय, अर्थात विद्या का घर। दोनों के टुकड़े करने पर अर्थ निकलता है। ऐसे हमने लिखा हिमालय विद्यालय, विद्यालय में लिखा हमने विद्या प्लस आलय, अर्थात विद्या का घर। इनको बोलते हैं यौगिक शब्द।
इनको क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। एक होते हैं हमारे योग रूढ़ शब्द, एक होते हैं हमारे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिनका कि एक अलग ही अर्थ निकलता है, जिनका शब्द बोलने पर एक अलग ही अर्थ निकलता है। जैसे हम बोलते हैं योग रूढ़ में, जैसे हम बोलते हैं पीतांबर, पीतांबर अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात विष्णु। दशानन, दस है मुख जिसके, रावण। एक बोलते हैं दशानन, दस है मुख जिसके अर्थात रावण। ये हमारे आते हैं योग रूढ़ शब्द, इनका अर्थ अलग ही हटके निकलता है। अब आता है हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, इसमें आते हैं सार्थक और निरर्थक। अभी मैंने बताया था सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई अर्थ निकले। और निरर्थक शब्द? जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हमने लिखा ताकिब, इसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता। अर्थात ये क्या है? निरर्थक शब्द है। ये क्या है? निरर्थक शब्द है। ऐसे ही हमने लिखा लीचम, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थात ये क्या हो गए? निरर्थक शब्द हो गए। सार्थक शब्द, सार्थक शब्दों को भी हमने कितने भागों में बांटा? यहां पर पांच भागों में, पांच भागों में बांटा गया है। पहला है पर्यायवाची, दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा है अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये क्या है? हमारे शब्दों का वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण किया, कितने भागों में किया गया? पांच भागों में किया गया है। एक है पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप जानते हो पर्यायवाची क्या होते हैं? पर्यायवाची समान अर्थ लगने रखने वाले शब्द होते हैं। जैसे हम घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है? घोड़े को अश्वी बोलते हैं, घोटक भी बोलते हैं। हाथी का क्या होता है? गज, गज भी बोलते हैं। तो ये है हमारे पर्यायवाची शब्द। ये होता है हमारे विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब विपरीतार्थक शब्द, विपरीत बताने वाले शब्द। जैसे विष का अमृत, सुबह का शाम, ऊपर का नीचे, ये होते हैं हमारे विलोम शब्द। अब होते हैं एक अनेकार्थी शब्द, एक शब्द जिसका कि बहुत सारे शब्द अर्थ निकलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए जैसे हम लिखते हैं वाक्यांशों के लिए एक अर्थ में क्या लिखते हैं? बहुत बड़ा वाक्य है, साथ में पढ़ने वाला सहपाठी, साथ में काम करने वाला सहकर्मी, जिसको देखा ना जा सके अदृश्य, ये हमारे होते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये आते हैं निरर्थक शब्द में, क्या होता है? खटखट, किचकिच, चू चपड़, बानी बोटी, ये हमारे होते हैं निरर्थक शब्द, जिनका कि कोई अर्थ नहीं निकलता। ये हम हमेशा पढ़ते आते हैं। अब आया समझ में आपको? इतना उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है पांच भागों में, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर्षक। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और अर्थ के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द में क्या होते हैं? पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी और वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऐसे ही आते हैं निरर्थक में, जिनका कि कोई अर्थ नहीं होता, खटखट, चटचट, पटपट, जो भी हम बोलते हैं ये। नेक्स्ट आता है हमारा विकार के आधार पर या प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा? विकारी और अविकारी शब्द, विकारी और अविकारी शब्द।
विकारी शब्द, विकारी शब्द वो होते हैं जो कि लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रयोग के आधार पर परिवर्तन होते हैं। लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर इनको परिवर्तित किया जाता है। ये हमारे विकारी शब्द होते हैं। इसमें कौन से आते हैं? इसमें आते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये शब्द विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हमारे विकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अविकारी या अव्यय शब्द। इनको भी चार भागों में बांटा गया है। इसमें है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, एक है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक फिर आता है हमारा विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक इस प्रकार हमारे शब्दों का वर्गीकरण हमने प्रयोग के आधार पर कितने भागों में किया? विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है शब्द को, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द में क्या आता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने समझा शब्द क्या है और शब्द के बारे में जाना, शब्दों का वर्गीकरण के बारे में जाना, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है। धन्यवाद।